पटना के श्री कृष्णा नगर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। बता दें आपको कि डॉक्टर इंदु भूषण सिन्हा के प्रथम पुण्यतिथि पर यह शिविर लगाई गई है। ऐसे में मरीजों को निशुल्क देखा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ सुजीत कुमार सिन्हा सर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, आज आप लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, इस मौके पे हम लोगों ने अपनी सेवा उपलब्ध कराई है और जो भी लोग इस एरिया के बासिंदे हैं वो अपने शिशुओं के से संबंधित कोई भी रोग है तो आकर के हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और करेंगे, काफ़ी रजिस्ट्रेशन है। जी, प्रोसेस क्या है सर, आज जैसे दुबारा रहे हैं, प्रोसेस क्या है इसकी? ये कुछ तो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, एक दो आए हैं और कुछ रिसेंट अभी का आउटब्रेक है जो वायरल कफ कोल्ड डायरिया वगैरह तो उससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो कुछ तो उन लोग को सहयोग हो जा रहा है। और भी ये लोग अब ये पहली बार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, प्रथम पुण्यतिथि पे एज पर द पब्लिक डिमांड वी विल हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, कुछ इंटरवल पे रखेंगे। डॉक्टर इंदु भूषण सिन्हा काफ़ी चर्चित डॉक्टर थे, ऐसे में अब वो नहीं हैं, एक साल होने जा रहा है उनकी प्रथम पुण्यतिथि, ऐसे में कैसे उनको याद करते? देखिए, उनका जो प्रोफेशन था, हम लोगों का जो प्रोफेशन है, उन लोगों का उनका जो योगदान है किडनी संबंधित रोग में, उन्होंने ही शुरुआत किया यहाँ डायलिसिस सुविधा पटना में, तो उससे संबंधित हम लोगों ने कुछ ये रखा है शिविर ताकि इस रूप में ही उनको याद किया जाए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सर भी हमारे साथ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, सर से जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, आज मरीजों को देख रहे हैं निशुल्क, आज चिकित्सा शिविर आप लोगों ने लगाया है, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? देखिए, डॉक्टर इंदु भूषण सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर इंदु भूषण सिन्हा एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और किडनी के डॉक्टर थे। आज बिहार में जो भी किडनी का काम हो रहा है इसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी, इवन कि जेपी जो थे, जयप्रकाश नारायण, उनके भी ये चिकित्सक रह चुके हैं, उनको भी किडनी का प्रॉब्लम था, उनका भी किडनी ये इलाज करते थे और बहुत पहले से इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा, सैकड़ों की संख्या में इनके स्टूडेंट रहे जो आज बड़े बड़े पद पर काम कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने समाज की भी सेवा की, बिहार के हर जगहों में लोग इनको जानते हैं। उनका आकस्मिक निधन हुआ खास करके एक साल पहले, तो आज उनकी पुण्यतिथि है, वाकई इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनकी पुण्यतिथि पर क्या होना चाहिए, तो सभी लोगों ने विचार किया कि एक हम लोग फ्री कैंप लगावें जहाँ जो लोग आवें उसको फ्री में विभिन्न लोग जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी राय दें, अपना उनको एडवाइस दें और बताएं कि आगे क्या करना है ताकि उनको फ्री में ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। किसी के भी डॉक्टर के लिए ये बड़ी बड़ी बात होती है कि फ्री में देखना, फ्री में इलाज करना, अपनी एडवाइसेस देना, ये सब यदि दिया जाता है तो सबको अच्छा लगता है और इससे बेहतर और इनको श्रद्धांजलि देने का और कोई तरीका नहीं था कि हम लोग, जैसे मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, मैं भी कैंसर का पेशेंट देख रहा हूँ, इस तरह से हर विभाग के लोग यहाँ आए हुए हैं और वो लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस चिकित्सा शिविर में। कैसे तो, याद कर रहे हैं अपने डॉक्टर इंदु भूषण? हम लोग इसलिए याद कर रहे हैं उनको कि उनके जैसा व्यक्तित्व बहुत ही कम डॉक्टर का इस राज्य में रहा है, ये साधारण नहीं, असाधारण व्यक्तित्व के आदमी थे और जिंदगी भर उन्होंने सेवा ही की है। आज तक कभी भी किसी ने उनके बारे में आप क्रिटिसाइज करते नहीं सुने होंगे, हर की मदद की है, हर को हर के बारे में उनका हमेशा रहा है इसको हम कैसे ऊपर उठावें, कैसे बढ़ावें, कभी किसी तरह का वैमनस्य नहीं,
तो आज बहुत अच्छे लगते हैं कि उनके नाम पर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि आगे और कुछ बड़ा काम हो। हाँ, करेंगे, हर साल शिविर ही नहीं लगेगी, कुछ बड़ा काम करेंगे। शेख जी, आज पद्मश्री डॉक्टर इंदुभूषण सिन्हा जी के प्रथम पुण्यतिथि पर आप लोग जो फ्री चिकित्सा शिविर है वो आप लोगों ने लगाया है, क्या कुछ कहिएगा? जी, स्वर्गीय इंदुभूषण सिन्हा सर हमारे बिहार के पूरे ईस्टर्न इंडिया के फादर ऑफ नेफ्रोलॉजी कहे जाते हैं, यानी किडनी रोग विशेषज्ञ में सबसे प्रथम किडनी रोग विशेषज्ञ सर थे। उनके कई शिष्य हैं, हम लोग भी सर के शिष्य में से एक हैं। आज सर नहीं हैं लेकिन उनकी विरासत को हम लोग को संभालना काम है। उन्होंने जो नींव डाली है नेफ्रोलॉजी की बिहार में और ईस्टर्न इंडिया में, उसे हम लोग अपने सब क्षमता हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में सर के आज प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग आज फ्री कैंप कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। उनके शिष्य रह चुके हैं, ऐसे में एक साल होने जा रहे हैं, आज पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि, तो कैसे याद कर रहे हैं? सर को बहुत मिस कर रहे हैं, सर एक गार्जियन की तरह थे। इस दौरान बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं, हर जगह हम लोग सर की कमी महसूस करते हैं। उनकी कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता है लेकिन इन्हीं माध्यम से सर को शायद सर वहाँ से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि उनके काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गया है निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, ऐसे में तमाम वो डॉक्टर हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी फेमस है और लगातार मरीजों को जो निःशुल्क है वो सेवा दे रहे हैं। ऐसे में एक दिवसीय ये शिविर लगाया गया है। पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह कैंसर रोग विशेषज्ञ थे और साथ ही डॉक्टर सुजीत कुमार सिन्हा शिशु रोग विशेषज्ञ थे हमारे साथ बात करने के लिए। ऐसे में क्या कुछ दोनों का कहना था आपने सुना है? बता दें आपको कि अपने अभिभावक डॉक्टर इंदुभूषण सिन्हा के प्रथम पुण्यतिथि पर इन लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, वहीं ये लोग याद कर रहे थे डॉक्टर इंदुभूषण सिन्हा को। ऐसे में क्या कुछ करते हैं आपने सुना है, उनके क्लिनिक पर हमारी मौजूदगी है। ऐसे में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो है वो लगाया गया है और ऐसे में मरीज जो है वो कहीं ना कहीं पहुँच रहे हैं और निःशुल्क सेवा ले रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।